दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही खुकार मूवी को जिसका नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव जो 1978 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जेनिफर नाम की लड़की दिखाई जाती है और ये एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट होती है। ये अपने एक नॉवेल को लिखने के लिए जंगल में एक केबिन बुक कराती है। जब वो अपने केबिन जाती है तो रास्ते में गैस स्टेशन में उसे दो लड़के दिखाई देते हैं। इसके बाद जेनिफर अपने केबिन पहुँचती है, वो बहुत खुश होती है। घर के बगल में ही एक तालाब होती है जिसमें वो अपने कपड़े उतार के नहाती है। फिर अगले सीन में उसके केबिन में एक डिलीवरी बॉय आता है जिसका नाम मैथ्यू था। मैथ्यू जो दिखने में तो काफी बड़ा होता है लेकिन दिमाग से वो काफी बच्चा था। फिर जेनिफर को उस पर दया आती है और मैथ्यू और जेनिफर अब दोस्त बन जाते हैं। फिर मैथ्यू अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें जेनिफर के बारे में बताता है। रात में ये लड़के जेनिफर के साथ कुछ गलत करने का प्लान करते हैं। अगले दिन जब जेनिफर अपने बोट पर आराम कर रही थी तभी ये लड़के चुपके से आते हैं और उसकी बोट की रस्सी को खींच लेते हैं और ये जेनिफर को बहुत परेशान करते हैं। अब किनारे में आकर जेनिफर इन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए कोशिश करती है लेकिन ये लोग नहीं मानते। ये जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। उसके साथ गलत करने के बाद भी ये लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। यहाँ जेनिफर को बहुत गुस्सा रोना आ रहा था क्योंकि वो बहुत दर्द में थी लेकिन ये लोग फिर से उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, उसे रॉक पे लेटा के। फिर ये लोग रात को फिर से जेनिफर के बारे में बात कर रहे थे। जब जेनिफर पुलिस को कॉल करने वाली थी तो ये लोग जेनिफर के घर आते हैं। फिर ये लोग जेनिफर को धमकाते हैं और उसे खूब मारते हैं। फिर इनमें से स्टैनली ये करता है कि जो कांच की बोतल पड़ी होती है वो बोतल को उठाकर जेनिफर के नीचे घुसा देता है जबरदस्ती और वो बोतल को फोड़ भी देता है जिससे जेनिफर को बहुत खून आता है और वो बहुत तड़प रही होती है। फिर जब कुछ देर बाद जेनिफर को होश आता है तो वो गुस्से से भरी हुई होती है और वो बदला लेना चाहती है। अगले सीन में जेनिफर मैथ्यू को बुलाती है डिलीवरी के लिए और उसके कपड़े उतार के उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, वो उसका मुंह में लेती है। फिर जब मैथ्यू होश में नहीं होता है वो मजे ले रहा होता है, उतने में ही जेनिफर मैथ्यू को फांसी के फंदे से पेड़ में लटका देती है और उसकी जान ले लेती है। अगले सीन में वो जॉनी के गैस स्टेशन पहुंचती है और उसे सेड्यूस करती है और वो दोनों साथ में बाथटब में नहा रहे होते हैं और इतने में ही जेनिफर जॉनी के नीचे का काट देती है। जॉनी की वहीं पर मौत हो जाती है क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह गया था। और अंत में जेनिफर मिलती है स्टैनली से और वो उसे बोट में मिलती है और तालाब के बीचों बीच उसे किस करती है लेकिन किस करते टाइम वो उसे तालाब में धक्का दे देती है और बोट स्टार्ट कर देती है जिससे स्टैनली कट के मर जाता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये मूवी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और उसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो को मिस ना करें।